Assalamu alaikum and welcome to solving solution 16. आज एक बहुत मज़े का काम, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है, मैं इंट्रोड्यूस करूँगी आप लोगों के सामने. उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें मैं एक सीक्रेट भी बताऊँगी आपको. जिस तरह ग्लास पेंटिंग से पहले जो है वो लेड की जाती है, इसी तरह फैब्रिक पेंटिंग से पहले भी लेड वर्क किया जाता है ताकि पेंट बाहर ना निकले. तो ये वो लेड है जिसको उर्दू में गूटा, ईस्ट में गूटा कहते हैं. कंपनीज जो प्रॉपर कंपनीज हैं जो ट्यूब की फॉर्म में दे रही हैं इसको, वो इसमें तो बहुत कम कलर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जिसमें गोल्डन, ब्लैक और सिल्वर है खाली. लेकिन ये कौन से फॉर्म में, क्योंकि ईस्ट में हिना, मेहंदी बहुत यूज़ होती है, तो इसलिए इन्होंने कौन से में कर दिया इसको. और मैं खुद पर्सनली प्रायोरिटी कौन में देती हूँ क्योंकि इसमें आपका हाथ इतना टायरिंग नहीं होता. अच्छा, इसका सीक्रेट ये है कि मैंने नोट किया कि अगर मैं जाके उन शॉपकीपर से बोलती हूँ मुझे ग्लास लेड दे दो, तो वो ये चीज़ दे देते हैं. जब मैं बोलती हूँ गूटा दो, तब भी वो ये चीज़ दे देते. तो मैंने दोनों चीज़ों को फैब्रिक पे अप्लाई किया और मैं इसका फर्दर प्रोसीजर भी बताऊँगी कि इसको फिक्स करने का क्या तरीका है. तो आपको ये उससे पता चलेगा कि दोनों चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं. ग्लास लेड भी आप यूज़ कर सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ ग्लास लेड्स हैं और कुछ गूटा है. तो शुरू करते हैं. तो इसके लिए सिंपल, आपको आपकी शर्ट, टी शर्ट ले लीजिए, शर्ट लीजिए. जो सबसे पहले तो आप चाहें तो डिज़ाइन ट्रेस कर लीजिए. मैं डिज़ाइन के ट्रेसिंग को इतना बिलीव नहीं करती क्योंकि उसमें आप बाउंडेड हो जाते. इसके बजाय मैं आपको इजी टेक्निक इस तरह से बता देती हूँ कि आपने जिस तरह, मैं ये कैप ले लिया, मैंने एक ऑर्डिनरी कैप, और मैंने इसका सेंटर लिया और मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगी. इस सर्कल में मैं फ्लावर बंच बनाऊंगी. टॉप से मैंने 2 इंच नीचे यहाँ एक और सर्कल बना दिया और यही चीज़ मैं दूसरी साइड के लिए भी रिपीट करूंगी. ये मेरे 3 सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं. इनके अंदर मैं फ्लावर्स बनाऊंगी और लीव्स और स्टेम्स को जो वो मैं इन एरियाज पर बनाऊंगी. ट्यूटोरियल में वाइट, येलो और रेड पर काम करूंगी. ये आपकी कोन है, इसकी होल्डिंग आपने इस तरह से की कि थोड़ा सा निप का एरिया आगे बढ़ा के आपने इसको पेंसिल की तरह इस तरह पकड़ लिया है. ये डिज़ाइन आपका बन गया. अब आप क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए. अब ये ड्राई हो चुका है और इसको हो गए 24 आवर्स, ये कम्प्लीटली सेट हो चुका है. तो आप क्या करेंगे कि अब आपने कोई भी फैब्रिक लिया, कोई भी कपड़ा लें इसके साथ, इसके ऊपर रखा आपने और आपने इस्तरी करना शुरू किया. इससे ये जो है आपके दुपट्टे पे भी पेस्ट होएगा, लेकिन आपने उसे बहुत स्लोली और ग्रेजुअली मूव करना है, आराम आराम से निकालना है. ये इसके फिक्स करने का तरीका है. अब आप इसे जो है
वॉश कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखा जाए ईस्टर्न वॉश नहीं होगा, जो मार पिटाई करके और रगड़ रगड़ के होता है, इसको आप मशीन वॉश कीजिए या ड्राई क्लीन कीजिए। ये मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ, ये इस तरह से हल्का हल्का उससे पेस्ट हो रहा है, लेकिन आप स्लोली स्लोली इसको हटा देंगे। सारा रिमूव हो गया, ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया है और ये रेडी है। तो अब कीजिए खुद से डिजाइनिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि ये आपको कैसा लगा।